एक नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट पर। आए दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। कोरोना का यह कहर अब सबकी जान पर बनाया है। 22 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8,299 पर पहुंची है, जबकि कल तक यह संख्या 8,090 थी। तो वहीं 4 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसमें पहली मृत्यु सरकार नगर चंद्रपुर में रहने वाले 89 वर्षीय पुरुष बाधित की हुई है। इस बाधित को 6 सितंबर को क्राइस्ट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। दूसरी मृत्यु बाबूपेट चंद्रपुर में रहने वाले 67 वर्षीय पुरुष बाधित की हुई है। इस बाधित को 17 सितंबर को क्राइस्ट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। तीसरी मृत्यु बालाजी वार्ड चंद्रपुर में रहने वाली 68 वर्षीय महिला की हुई है। इस बाधित को 18 सितंबर को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तो वही चौथी मृत्यु गांधी वार्ड बल्लारपुर में रहने वाले 62 वर्षीय पुरुष बाधित की हुई है। इस बाधित को 15 सितंबर को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इस तरह से पिछले 24 घंटे में इन 4 बाधितों की मृत्यु हुई है। 1 से 2 मृत्यु हुए बाधितों को कोरोना के साथ शुगर की बीमारी होने से क्राइस्ट हॉस्पिटल चंद्रपुर में उनकी मृत्यु हुई है, तो तीसरे और चौथे बाधित को कोरोना के साथ निमोनिया होने से शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल चंद्रपुर में उन व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बता दें कि अब तक 122 बाधितों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें चंद्रपुर 115, तेलंगाना 1, बुल्डाना 1, गढ़चिरौली 2 और यवतमाल 3 का समावेश है। तो वही उपचार ले रहे बाधित 3,413 है, साथ ही 4,754 बाधित ठीक होकर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। आए दिन कोरोना एक नया कहर बनकर सामने आ रहा है। कभी नागरिकों ने प्रशासन द्वारा किए गए आह्वान को प्रतिसाद दे, अत्यावश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क का इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, हाथ सैनिटाइज करे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।